नेक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूँ, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटी भी है। अगर आज की तारीख में आप किसी से ये सवाल पूछें कि आखिर उस शख्स का नाम क्या है जिसके इर्द गिर्द इन दिनों पूरी चुनावी सियासत घूम रही है, तो यकीन मानिए आपको जवाब में सिर्फ एक ही नाम मिलेगा और वो नाम है योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ इन दिनों देश में जहाँ जहाँ भी चुनाव चल रहे हैं वहाँ सबसे ज्यादा डिमांडिंग नेता है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर चुनावी प्रचार में कहीं किसी नेता की सबसे ज्यादा मांग होती है तो वो नाम योगी आदित्यनाथ का ही है, क्योंकि योगी वही बोलते हैं जो जनता सुनना चाहती है। योगी आदित्यनाथ का वो नारा बटेंगे तो कटेंगे, इसने इस समय पूरे देश की चुनावी राजनीति में तहलका मचा रखा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस नारे को खूब बढ़ चढ़ कर हवा दे रहे हैं। खुद योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे के इस स्लोगन को अपनी चुनावी जनसभा में अलग अलग राज्यों में जाकर माइक से बुलंद कर रहे हैं। एक ओर जहां योगी आदित्यनाथ के इस नारे की समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों काट ढूंढने में लगी है और नई नई तुकबंदी इस नारे को लेकर जोड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ भी हर दिन इस नारे को धार लगाने का काम कर रहे हैं। यूपी के मुखिया इस नारे में हर दिन कुछ न कुछ ऐसा जोड़ देते हैं जिससे इसकी काट निकाल पाना विपक्षियों के लिए और भी मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कल झारखंड में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बटोगे तो कटोगे के नारे में कुछ ऐसा जोड़ दिया जिसको लेकर विपक्ष अभी भी हैरत में दिखाई दे रहा है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने झारखंड की धरती से जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बटोगे तो निर्ममता से कटोगे, यानी जनता को योगी का संदेश साफ है, नहीं बटना है और ना ही कटना है। सीएम योगी ने कहा, देश का इतिहास इसका गवाह है, जब भी हमें जाति, क्षेत्र या भाषा के नाम पर बांटा गया है, हमें बेरहमी से काटा भी गया है। हम ये दोहराते हैं, जाति के नाम पर मत बटो, जो लोग हमें बांट रहे हैं वे देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उनके लिए देश उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है, वे सब कुछ करेंगे जो भारत के खिलाफ है। दिलचस्प और अहम बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस तरह से योगी आदित्यनाथ के वोट मांगने का अंदाज खुद बीजेपी को भी पसंद आ रहा है। शायद इसीलिए बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता इस नारे से असहज होता दिखाई नहीं देता। विपक्ष की ओर देखे तो अभी तक विपक्ष के पास योगी के इस नारे की कोई काट दिखाई नहीं दे रही है। सपा, कांग्रेस, जेएमएम जैसी तमाम पार्टियों पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस नारे की काट देने के लिए, लेकिन ये नारा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस नारे के बदौलत ही झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक की सियासत में योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े स्टार प्रचारक बने हुए हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड में योगी आदित्यनाथ की जनसभा एवं रैलियों में बुलडोजर से उनका स्वागत किया जा रहा है और बुलडोजर पर लिखा है योगी आदित्यनाथ। वहीं जनसभाओं में योगी को हिंदू हृदय सम्राट कहकर संबोधित भी किया जा रहा है। वहीं चुनावी प्रचार का आलम ये है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ भी अब योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़े दिखाई पड़ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी के प्रचार को अलग अलग राज्यों में सबसे आगे लीड कर रहे हैं। राज्य कोई सा भी हो, उपचुनाव हो या चुनाव, योगी आदित्यनाथ का ये नारा बटेंगे तो कटेंगे अब इतना ज्यादा फेमस हो गया है कि इसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रही है। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि योगी आदित्यनाथ के इस व्यक्तित्व के बाद विपक्ष किस तरह से इस नारे की काट निकालेगा, क्योंकि इसमें निर्ममता शब्द जोड़कर योगी ने इस नारे का पूरा एजेंडा ही बदल दिया है।